कैसे सब? ऑल ऑफ फाइन. गुड मॉर्निंग गुरबा. गुड मॉर्निंग सर. ओके दैट्स गुड. सो लेट्स बिगिन विद, डू यू रिमेंबर व्हाट वी हैव डन? Yes, I know. Good. Okay, can everyone see my screen? Yes. Yes, I see your screen. That's good, that's good. Okay. Is everyone active? Yes, I am active. Good morning. Very, very happy morning. Okay, sab koi active hai na? Ji, main sab active hu. Mujhe activeness wali awaaz nahi aa rahi hai beech mein. गैप दिख रहा है. यस सर. यस यस. गुड गुड. ये हुई ना बात. या ओके. देखो क्लास में ना आपको अगर 100% रिजल्ट चाहिए तो कीप योर एनर्जीज हाई लेवल. एनर्जी अंडरस्टैंड? ओके ओके अंडरस्टैंड. या आई अंडरस्टैंड. या आई अंडरस्टैंड. या साइकोलॉजी में एक कहावत है, मैंने पहले भी बहुत बार बोला है वैसे, सोनम नोज वेरी वेल. कल परसों भी बोला था सोनम को. एनर्जी फ्लोज वेयर द थॉट गोज. इसका मतलब है जो आपकी एनर्जी है वो उसी तरफ जाती है जिस तरफ आपकी थॉट जाती है. अगर थॉट हाई है तो एनर्जी हाई है, अगर थॉट लो है तो एनर्जी लो है, अगर थॉट लूजर वाली है तो एनर्जी भी लूजर वाली रहेगी, अगर थॉट विनर वाली है तो एनर्जी भी विनर वाली होगी. एवरीवन गेटिंग इट? यस यस आई एम इट. गुड 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 गुड. और एक्टिव का मतलब होता है पूरा कम्युनिकेट करना. अगर मैं पूछूं तो सबकी आवाज आनी चाहिए ए टू जेड. ओके ओके ओके. तो अभी जो आज हम करने वाले हैं, हम वी आर कवरिंग टुडे सम बेसिक्स बेसिक्स हाउ टू मेक सेंटेंसेस, हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड विच टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर देयर. ठीक है? ओके ओके. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि सेंटेंसेस बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स. द फर्स्ट टाइप इज टू डू एंड द सेकेंड टाइप इज टू बी. नाउ डू यू अंडरस्टैंड? यस आई अंडरस्टैंड. डू मीन करना. डू का तो करना. या करना करना राइट. लाइक लाइक play, go, sleep, sit, work, ये सारी चीजें करना है ना. to do sentences में use होती है. all these things are to do. okay? अच्छा okay. अब to be क्या हो सकता है? लंबा होना tall, मोटा होना fat, छोटा होना small, शार्प तीखा होना, ब्लंट शार्प नहीं होना. जो मोटा होता है जैसे नाइफ हमारा अगर मोटा हो जाता है यूज करते करते तो उसको ब्लंट बोलते हैं ना. ब्लंट जो
तीखा नहीं होता, ठीक है, ब्लैक मुंड हो जाता है, मुंड। क्या तो ये सारे टू बी हैं? टू बी मतलब ये कोई काम नहीं है, दीज आर नॉट द वर्ब्स, ये कोई काम नहीं है, ये कोई वर्ब नहीं है, ये हमें स्टेटस बताते हैं। जैसे आई, मैं लंबा हूं तो आई के साथ टॉल, मैं अगर मोटा हूं तो आई के साथ फैट, मैं अगर छोटा हूं तो आई के साथ स्मॉल, मैं अगर छोटा हूं तो आई के साथ शार्प, मैं अगर शार्प नहीं हूं, मैं मोटा हो गया हूं मतलब काटता नहीं हूं अब, तो ब्लंट, ठीक है? तो अब जो हमने ये दोनों टाइप्स देखे हैं, इनके अपने अपने रूल्स हैं, ठीक है? जब भी हमने किसी काम का बताना है कि आई एम डूइंग दिस वर्क, आई एम स्टडीइंग, आई एम राइटिंग, आई एम वॉचिंग, आई एम सीइंग दिस, तो इसके साथ क्या क्या लगेगा, वी विल डू दिस। और अगर आपने ये बताना है कि मैं लंबा हूँ, मोटा हूँ, या लंबी हूँ, मोटी हूँ, छोटी हूँ, कुछ भी आपने बताना है अपने बारे में, या फिर किसी आपके नोन के बारे में, किसी फ्रेंड के बारे में, तो आप कैसे बना सकते हैं, वी विल बी कवरिंग बोथ दीज रूल्स, राइट? ओके, अब देखो इसमें जो टू टू वाला है, इसमें तो सिंपल स्ट्रक्चर है, आई, वी, ही, शी, या कुछ भी, राहुल, ईना, मीना, टीका, कुछ भी, ठीक है? ये सारे सब्जेक्ट हुए, ऑल दीज आर सब्जेक्ट्स, यस यस, इनके साथ वर्ब, सिंपल, जैसे आई प्ले, ही गो, शी स्लीप। देखो ये सेंटेंसेस बिल्कुल सही नहीं है, देयर आर सम मिस्टेक्स, बाकी की मिस्टेक्स के ऊपर नहीं जाना, अभी जो हम रूल्स कर रहे हैं ना, ओनली वी विल स्टडी दीज रूल्स, राइट? आर यू गेटिंग इट? इज एवरीवन गेटिंग? ओके, यस आई अंडरस्टैंड। जिसको देखो, ये अभी जो टॉपिक हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उसी टाइम स्टॉप मी एंड आस्क मी, स्टॉप मी एंड आस्क मी, ओके? ओके, या तो हम टू डू कर रहे हैं, टू डू का मतलब करना होता है, इसमें एक्शन वर्ड्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं, लेकिन रूल क्या है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब, राइट? अब ये जो है, दिस वन, इट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज इट? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, आई, ही, शी, दे, या गर्ल्स, या बॉयज, ये ऑल दीज आर सब्जेक्ट, एंड ऑल दीज आर वर्ब्स, प्ले, गो, ये सब वर्ब्स हैं, ठीक है? जी जी, ओके। तो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट एंड वर्ब, राइट? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जी, सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट प्लस जी। ये हम टू डू वाला कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है? ये फिनिश दिस वन, मतलब इसके साथ और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमने वो भी नहीं करनी है, वी आर जस्ट लर्निंग टू मेक दी बेसिक सेंटेंसेस। तो बेसिक क्या बोलता है, बेसिक ये बोलता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जी, गॉट इट? जी भैया, मेरी आवाज आ रही है? यस यस, अच्छा ठीक है। अब इसमें इसमें देखो क्या है, ये सब्जेक्ट ही है, ठीक है, बट दिस थिंग इज नॉट द डूअर, ये कुछ कर नहीं रहा है, ये अपने बारे में अपनी खास बात बता रहा है, ठीक है? क्लियर हो गया? यस, क्लियर हो गया, ठीक है, ये अपने बारे में खास बात बता रहा है, और वो खास बात क्या है, वो खास बात ये है, ठीक है? लेकिन ये टू बी वाले सेंटेंस में क्या होता है, टू बी वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है प्लस, अब यहाँ पर कुछ और आएगा और यहाँ पर ये आएगा, ठीक है? नाउ दिस वन, अब यहाँ पर जो आएगा वो क्या है, व्हाट इज दैट? देखो, आई प्लस प्लूरल, सॉरी, आई
के बाद एम आएगा। सच में? आई के बाद एम आएगा। ओके, आई के बाद एम आएगा, मुझे नहीं पता था। ठीक है, ओके, सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स। अब देखो आई के साथ तो एम आता है, बिल्कुल, ये तो सोनम को भी पता है ना। तो यहाँ पर देखो आई के साथ हमेशा क्या यूज होगा, एम। आई एम टॉल, आई एम फैट, आई एम स्मॉल, आई एम शार्प, आई एम ब्लंट। ये सेंटेंस यहाँ पर वैसे कंप्लीट होता है, बेसिक सेंटेंस, राइट? वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम सिर्फ बेसिक कर रहे हैं, इसके बाद तो बहुत कुछ आ सकता है, वो हम नहीं कर रहे हैं कि इसके बाद क्या क्या आएगा या फिर ये यहाँ पर और क्या क्या हो सकता है, हमने वो सब नहीं करना है। हम अभी सिर्फ वी आर जस्ट डूइंग द बेसिक्स, राइट? ओके, तो आई के साथ जैसे हमें सोनम ने बताया कि आई के साथ एम होता है, और ये आई के साथ, आई की जगह पर इंस्टेड ऑफ दिस आई अगर कुछ सिंगुलर होता है तो क्या लगेगा, और अगर कुछ प्लूरल होता है तो क्या लगेगा? अगर सिंगुलर होता है तो लगेगा इज, आई एस इज, और अगर कुछ प्लूरल होता है तो लगेगा आर। अगर आई की जगह पर होता वी, क्या होता? वी, तो एम नहीं होता यहाँ पर, फिर होता आर। वी मतलब ज्यादा प्यूर है, प्यूरल्स है, तो इसमें आर लगेगा। अगर इसमें आई की जगह पर सिंगुलर होता कोई भी, जैसे मान लो यहाँ पर किसी बॉय की बात हो रही होती, तो यहाँ पर आता बॉय, फिर एम नहीं आता क्योंकि आई नहीं है, तो एम नहीं है। बॉय एक सिंगुलर है, ये है सिंगुलर में क्या लगता है, एस, तो लगता बॉय इज फैट। ठीक है, समझ गए हो ना? सिंगुलर में लगेगा, यानी एक कोई भी बॉय, गर्ल, या राहुल, या सीता, या यहाँ पर हम लिखते हैं सोनम, बॉय इज फैट, क्या लगेगा यहाँ पर? सोनम के साथ no, she लगेगा। अगर हम यहाँ पर, अब ये तो लिविंग है, लिविंग है, अगर हम यहाँ पर कोई नॉन लिविंग चीज लगाते हैं, जैसे हम लिखते तलवार, SWORD, ठीक है, स्वॉर्ड, तो यहाँ पर आई तो नहीं लगेगा, एम भी नहीं लगेगा क्योंकि आई नहीं है तो एम नहीं है। स्वॉर्ड के साथ क्या लगेगा? स्वॉर्ड इज अ सिंगुलर और प्लूरल? इट लगेगा, इट, 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 इट इज, तो वैसा ना आएगा। सिर्फ ये तीन चीजें कवर कर रहे हैं, इसमें इतनी है कहीं भी। आप सोनम एंड रक्षी मैन, मैंने आपको काफी बार नोटिस किया है, आप कुछ अलग ही ढूंढ के लाते हो, पता नहीं कहाँ से। हम अभी जो कर रहे हैं उसमें इट तो मैंने ना बताया है, ना हम प्रोनाउन कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पर सेंटेंस का स्ट्रक्चर कर रहे हैं, और रूल्स क्या क्या कवर कर रहे हैं, हम कौन से रूल्स कवर कर रहे हैं, हम ये वाले कवर कर रहे हैं, एक तो ये वाले, ठीक है, और दूसरा हमने ये इज एम आर वाले कवर करने हैं। इट तो है ही नहीं कहीं भी, तो स्वॉर्ड सिंगुलर है, अगर स्वॉर्ड सिंगुलर है तो इसमें से, इसमें से कौन सा रूल लगेगा? इज लगेगा, क्योंकि स्वॉर्ड सिंगुलर है, एक ही है तलवार, स्वॉर्ड इज तलवार। यहाँ पर मैं एक और वर्ड लिख रहा हूँ, मुझे आंसर चाहिए सबका। सबसे पहले तो ये कि ये एक वर्ड है, ये क्या लिखा है? केम, 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 के
नेम नहीं है, स्पेलिंग है के एन आई एफ ई, कैफ, कैफ नहीं, काइंड, ओके, ये के साइलेंट है यहाँ पर, के साइलेंट है, इट इज नाइस, आई फॉरगेट, ठीक है, नाइस, फातिमा जी, नाइस यू गॉट, नाइस, हाँ, यस यस, ओके, गुड, तो नाइस का मुझे प्लूरल कौन बताएगा, दिस इज सिंगुलर, मेरे फैमिली, नाइस, बताओ, नाइस, सिंगुलर, स्पेलिंग, स्पेलिंग, N I C E, C E N I C E, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं आपको क्या बोलूं, मैं है सी कहां से आ गया बीच में, आपने नाइस पूछा, नाइस नहीं है, नाइस है, नाइस एफ, यहाँ पर स्पेलिंग भी तो लिखे हैं, एन आई एफ ई ना, कहां से आ गया बीच में, मुझे लगा की बात हो रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सर, एन आई एफ ई, फातिमा जी क्या बोल रहे इसका, एन आई एफ नाइफ, एन आई एफ ई नाइफ, इसका प्लूरल चाहिए, प्लूरल, टेल मी द नाइफ, नाइफ, या टेल मी द स्पेलिंग, एन के के एन आई एफ ई, यस, एफ K N I F E S S, right? Yeah. Okay. Fatima, this is wrong. This is wrong. अब मैं बताऊँ? Wrong. Yeah. K N I F E C. C का तो कोई भी rule आपको नहीं बताया गया है सोनम जी. तो F singular F. नहीं नहीं वो सब बातें ठीक है, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि आपने अभी तक कोई भी रूल्स नहीं देखे हैं आपने, कि सिंगुलर टू प्लूरल में क्या क्या नाउंस हैं, सी वाला तो कोई भी रूल नहीं आपको करवाया गया है, देन हाउ यू गॉट सी, सोनम थोड़ा और ध्यान दो, ज्यादा अभी ध्यान नहीं है, ठीक है, ओके ओके, तो इसकी जगह पर ये एफ ई जो है, इसकी जगह पर वी गोना रिप्लेस इट विद के एन आई वी ई एस, नाइव्स, ठीक है, वी ई एस, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ के एन आई वी ई एस, नाइव, अब मुझे यहाँ पर बता दो क्या आएगा और यहाँ पर बता दो क्या आएगा, यहाँ पे तो आई की जगह एस आएगा, ये आई की जगह पर ये आ गया नाइस, एम लगेगा, आर लगेगा, आर, आर क्यों लगेगा, नहीं आने लगेगा, गुड, रूलर है ना, इसीलिए आर लगेगा ना, नाइस, यस 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 यस, प्लूरल है इसीलिए आर लगेगा, रखी थोड़ा ध्यान दो, सोनम वाज राइट एंड प्रतिमा जी का भी बिल्कुल राइट है, नाइस, आर ब्लैंक, ठीक है, सेंटेंस तो आर तो बी में लगता है ना, ब्लैंक, जी जी, ठीक है, क्लियर हो गया सबको, यस यस, ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक, ओके ओके, ठीक है, अब मैं इसको इरेज करता हूँ, ओके, मुझे जब खत्म ध्यान होता तो कुछ समझ में नहीं आता, क्या समझ में नहीं आता, जो ज्यादा कतम होता है, ये कतम, ये कतम, ये गलत, तो कुछ समझ में नहीं आता, देखो अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा,
हमें तभी कुछ समझ में नहीं आता जब हम उसको प्रैक्टिकली करते नहीं है, ठीक है? तो प्रैक्टिकल करो ज्यादा। ओके ओके, तो हमने वी हैव डन टू डू, टू बी, टू डू का सिंपल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, राइट? सेकंड थिंग वी हैव डन टू बी, जी, टू बी पे सब्जेक्ट प्लस इजमार आता है, प्लस कुछ भी, राइट? क्लियर हो गए ये भी? फर्स्ट वी हैव डन दिस, सेकंड वी हैव डन दिस, थर्ड। तो टू में सब्जेक्ट वर्ब आएगा, टू बी में सब्जेक्ट इज एम आर आएगा क्या? या जी। ओके, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। व्हाट वेयर वी यूज हैज अ हैड, हैज अ हैव, आई हैव, कहाँ यूज होता है? वैसा जी, आई हैव, I has, I had आपको past में आता है वैसा ना, present past had past में आता है, लेकिन हमें वो नहीं, we are not covering present past future, हम नहीं कर रहे हैं। जी जी, we are just learning the way to use has, have, had, what is the meaning of has, have, had, have का तो है मतलब ना, I have, वैसा ही ना आएगा। has mean sorry Let me tell you, basically it is possession. Possession. Possession means owner, right? You know owner? No, I don't know. Owner, Malik, Malik. I not understand. Malik का तो पता है ना? हाँ हाँ, पता है। मालिक ही बता रहे हैं, आप बोलो आई डोंट अंडरस्टैंड, सॉरी सर, सॉरी मत बोला करो छोटी छोटी बात पे, ठीक है? ओके, हैज हैव हैड वहां पर यूज होता है जहां पर आपने ये बताना है कि ये चीज मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ। ये चीज मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ। ओके, जैसे आपने बोलना है कि मेरे पास पेन है, मेरे पास 5 करोड़ रुपए है, तो वहां पर भी यूज हैज हैव हैड। जैसे मान लो आपने बताना है कि मेरे पास पेन है, ठीक है, क्या बोलोगे? I have a pen. Yes, yes. I have a pen. जी, I have a pen. I have a pen. Boy has a cow. Cow. लड़के के पास क्या है? Cow है. Cow. Cow. अब यहाँ पर क्या लगेगा? आर has, आर 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 नहीं लगेगा, आर नहीं लगेगा। यहाँ पर पोजीशन की बात है ना, ओनर की बात है। लड़कों के पास क्या है? गाय, गाय है। बॉयज हैव की हैव लगेगा यहाँ पर भैया। बॉयज का मतलब तो पता ही, लड़के हुए ना। बॉय हैज सिंगुलर के साथ यूज होता है, जो हैव है प्लूरल के साथ यूज होता है, ये दोनों के साथ यूज होता है, हैड और बोथ, बोथ मतलब सिंगुलर प्लूरल के साथ भी यूज होता है। जी जी, ठीक है, क्लियर हो गया? जी यस यस, यहाँ पर बॉयज जो है इट इज प्लूरल। जी जी, बॉयज यहाँ पर जो बॉय है ये जैसे सिंगुलर। जी जी हाँ, यस यस, जो आए है, आए में और प्लूरल में सिमिलर रूल्स यूज होते हैं, सिमिलर आए और प्लूरल में, इन दोनों में सिमिलर आए हैं रूल्स, ठीक है? ओके Is it clear now? To do हो गया, to be हो गया, possession has, have, had हो गया। Yes. Okay, now अब मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे students या बहुत सारे persons क्या mistakes करते हैं। अब उन्होंने sentence बनाना है to do, ठीक है? क्या बनाना है? To do। तो उन्होंने बताना है कि मैं पढ़ाई
पढ़ाई कर रही हूँ या फिर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, उन्होंने ये सेंटेंस सुनाना है, तो वो आई के साथ क्या करते हैं, एम लगा देते हैं, आई एम स्टडी। ये सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक है होने वाली, जबकि ये किसमें यूज होता है, इट इज टू बी, इट इज नॉट टू डू। टू डू में क्या बोला था, सब्जेक्ट के साथ वर्ब आई स्टडी, लेकिन वो हर बार ये गलती कर देते हैं। ठीक है, इसमें सोनम आप ये बहुत ज्यादा गलती करते हो। ओके, मैं ध्यान रखूंगी। ओके, आई से आई सॉरी। अब देखो यहां पर क्या आएगा वो बताओ, नीचे वाले में तो आएगा एम, आई एम, और आई से, और ऊपर वाले में आएगा ऊपर वाले कंफ्यूज हो गई। आई हैव सेशन। फातिमा जी स्पीक सम लाउडर। जी जी जी। तो इसमें क्या आएगा, आई हैव पोजीशन में आता है, जहां पर आपने ये बताना है कि आप माने को किसी चीज के, सेम मतलब तो कहना होता है ना। वेट, सबसे पहले मुझे ये बता दो कि कौन सा टू डू है, कौन सा टू बी है। डू मतलब करना, करना करना, काम करने, इससे आपको जज करना है कि कौन सा टू डू है, कौन सा टू बी है। टू मतलब करना, टू बी मतलब होना, और हैज अ राइट तो हमने किया है पोजीशन, जहां पर आप ओनर, आपने बताने की चीज मेरी है, वहां पर हैज अ राइट। तो क्या से कोई काम है, वर्ब है? यस वर्ब है। फातिमा जी जी। ओके, से इज अ वर्ब, वेरी गुड। सॉरी इज अ वर्ब जी। नो सॉरी, दिस इज नॉट वर्ब, दिस इज नॉट अ वर्ब। फातिमा जी वर्ब, वर्ब। ओके गुड, या स्पीक स्पीक वर्ब, वर्ब, वर्ब। ओके फातिमा जी, सॉरी वर्ब नहीं है, नहीं की, अच्छा अच्छा। ये वर्ब वाला है तो दिस इज टू डू, इसमें डू करना है, ये वर्ब नहीं है, सॉरी इज नॉट अ वर्ब, ये टू बी है, और स्पीक जो है, स्पीक करना, इट इज आल्सो टू डू। ठीक है, तो ये टू बी वाला है, बाकी ये और ये टू डू है। अब डू में क्या लगता है, डू में करना वाला, करने वाला। डू में हमने क्या किया था, स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, राइट। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ वर्ब आ गया, इसके साथ वर्ब आ गया, इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं लगेगा, आई स्पीक। ठीक है, बिकॉज इट इज टू डू, राइट, सब्जेक्ट और वर्ब, गॉट इट। और ये वाला जो है, इट इज टू बी, तो यहाँ पर इज एम आर लगेगा, सब्जेक्ट इज एम आर एंड अगेंस्ट बी। और ये जो है ना, दिस वन इज बी स्टेट, इट्स अ थॉट, इट्स अ फीलिंग, राइट। जब आपसे कोई गलती होती है, यू फील सॉरी, है ना, यू फील सॉरी, then you are sorry. I am sorry. Yeah, तो इसका मतलब ये कोई आप काम नहीं कर रहे हो, ये आप बता रहे हो कि मैं दुखी हूँ, मैं सॉरी फील कर रही हूँ। जी, मतलब जिसकी गलती होती है, एक्चुअली में वो खुद ही बहुत अशेम्ड होता है कि उससे गलती हो गई, उससे ज्यादा डांटना भी नहीं चाहिए, जो गलती करता है उसे ज्यादा नहीं डांटना चाहिए, उसे सिर्फ समझाना चाहिए। ठीक है, तो सॉरी इज अ स्टेट ऑफ माइंड, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, आप अपने बारे में बता रहे हो कि आई एम सॉरी,
जैसे हम बोलते हैं ना आई एम सोनम, आई एम हैप्पी, ये आई एम सैड, ऐसे ही है आई एम सॉरी. ओके क्लियर है? ओके क्लियर. ओके ग्रुप ऑफ क्लियर हो गया? जी सर. ठीक है, अगर किसी को नहीं भी कुछ क्लियर होता है वो इसको डिस्कस करें जरूर, जसप्रीत मैम के साथ डिस्कस कर सकता है, नहीं तो आपस में यू आर हैविंग फैमिली मेंबर. और एक और चीज भी है, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप चैट इज देयर फॉर सपोर्ट. जी 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 यस जी सपोर्ट. आई एम ऑलवेज सपोर्ट दिस राइट दिस व्हाट्सएप इंस्टा एंड फेसबुक. या इट्स ओके. मैं ये कहने जा रहा हूँ कि यू कैन डिस्कस ऑन व्हाट्सएप एनीथिंग यू आर हैविंग डाउट इन. आपको किसी भी चीज में डाउट है आप व्हाट्सएप सपोर्ट से हमारी हेल्प ले सकते हो, वो डाउट अपने क्लियर कर सकते हो. अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, देखो मैं कॉल्स पे अवेलेबल नहीं होता हूँ, ठीक है, जसप्रीत मैं भी हमेशा फ्री नहीं होती है, लेकिन व्हाट्सएप का आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा. अगर आपको कुछ भी पूछना है यू कैन व्हाट्सएप. क्लियर हो गया सबको? फातिमा जी, गुरबा जी, और एक और चीज भी है, आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग, डोंट यूज वॉइस चैट यूज नहीं करो, टाइप इट, टाइप द लेटर्स विद योर ओन हैंड. ठीक है, उससे आपको स्पेलिंग लर्न होते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर याद होता है. तो आप कभी भी कुछ भी तो राइट इट इन द टेक्स्ट एंड मैसेज कि मुझे ये नहीं आ रहा है. Okay, I am having doubt in this one, I am having doubt in verbs, I am having in, I don't know to be sentence structure, I don't know to do sentence structure, you will get the help, right? Right. एक और चीज भी है, अब वैसे हमारी क्लास को खत्म होने जा रही है, तो होमवर्क क्या है सर? होमवर्क होमवर्क क्या है? हाँ, होमवर्क आपको बताएंगे, होमवर्क बताते हैं. आप एक तो रीडिंग वाली क्लासेस भी ज्वाइन करिए एवरीवन. ओके ठीक है फातिमा जी. कब? रीडिंग का एक ग्रुप है, आपको ऐड कर दिया जाएगा उसमें, रीडिंग एंड डिक्टेशन का, उससे आपकी इंग्लिश और ज्यादा इंप्रूव होगी, राइट? उसकी आफ्टरनून में क्लासेस होती है, आपको मतलब एक टॉपिक दिया जाएगा, उसको रीड करके आपने रिकॉर्डिंग भेजनी है. और ऐसे ही डिक्टेशन है जिसमें आपको स्पेलिंग्स वगैरह याद होते हैं, डिक्टेशन, एनीवन कैन जॉइन दिस, तो ये भी आप जॉइन करिए साथ में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके अंदर कोई भी डाउट हो. समझ में आ रही है फातिमा जी एंड गुरबा? जी. तो फातिमा जी आप रीडिंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. जी कब आ रहा हूँ? रोज क्या? वो रोज होता है, वो जसप्रीत मैम आपको बता देंगी, वो आफ्टरनून में होता है. बस ये 20-25 मिनट की क्लास होती है रीडिंग की, और सब अपने अपने रिकॉर्डिंग भेजते हैं, और कुछ टॉपिक्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं. ठीक है जी. और जो भी आप क्लास में करते हो इसका होमवर्क आप लिया करो, और व्हाट्सएप सपोर्ट लो, आप नेक सेंटेंसेस डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस सेंड करा करो, ठीक है, व्हाट्सएप पे. ओके, अब नाउ इट्स द टर्न फॉर होमवर्क. ओके, आज हमने कितनी कैटेगरीज की हैं सेंटेंसेस की? टू डू, टू बी, कौन सा कौन सा सेंटेंस है? फर्स्ट है टू बी, सेकंड टू डू, एंड सब्जेक्ट एंड वर्ब. हेलो, यस यस फातिमा जी, टू डू टू बी करे, यस, हैव हैज हैड, सिंगुलर, ये सिंगुलर वही ना सर? यस, हैज हैव, हैज हैव किया था, और ये किया है टू डू एंड टू बी. जी ओके.
also don't know what is this. okay, I'll send in the group, right, the homework. Okay, no problem, no problem. Okay, आप लिख सकते हो तो लिख लो. I make the new sentence. बोलिए बस ये वाला तो मैं. Wait. क्या है सर 20-20-40 पता नहीं. मैं दोबारा से लिख देता हूँ. नहीं इसका मतलब क्या है 20-20-40 आपने सेंटेंसेस बनाने हैं 20-20-40 बना के भेजना है क्या. यस फातिमा जी. और फातिमा जी आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं. आई लाइक दिस. थैंक यू. Write sentences. To do 20 sentences. To be 20 sentences. Has 20. Have 20. So you have to in all write 80 sentences. लेकिन एक कोशिश करिएगा आप सारे सिमिलर नहीं होने चाहिए एक जैसे बिल्कुल नहीं होने चाहिए. द सेंटेंसेस शुड बी डिफरेंट. ऐसा नहीं है कि आई के साथ आप बनाना शुरू हुए तो सारे आई के साथ ही बना दिए. अच्छा ठीक है. आई होना चाहिए बॉय होना चाहिए गर्ल डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट होने चाहिए राइट. अगर आप ऑब्जेक्ट लगाओगे ऑब्जेक्ट शुड ऑल्सो बी डिफरेंट. ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार कॉल लगा दिया तो सबको बॉय ही पकड़ा दो. ओके ओके मुझे भी करना है या बिल्कुल आपको करना है कोशिश करो करने की बिल्कुल. अगर अगर नहीं आता है तो आप डेफिनेट मैम से कंसल्ट कर सकते हो. ठीक है यही बना होगा. ठीक है अब हम क्लास एंड करते हैं. बाय बाय ऑल. बाय बाय.